झारखंड के साहिबगंज में हुए अवैध खनन केस में ईडी के गवाह और साहिबगंज के रहने वाले विजय हांसदा की क्रिमिनल रिट याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र स्थित निम्बू पहाड़ समेत अन्य इलाकों में हुए अवैध खनन की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। इस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुधांशु शेखर चौधरी ने बताया कि कोर्ट का मानना है कि इस मामले की जांच स्टेट अथॉरिटी सही तरीके से नहीं कर रही है, इसलिए इस मामले की जाँच सीबीआई द्वारा होनी चाहिए, इसलिए इस केस की जाँच सीबीआई को सौंपी गई। क्या कुछ डायरेक्शन रहा कि क्यों सीबीआई की तरफ जाना चाहिए, क्या वजह बनी, कुछ तो कहा होगा? ये डिटेल ऑर्डर हुआ है, वो सारा पढ़ने के बाद ही आप भी पढ़ लेंगे, पता चल जाएगा। क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी ऑर्डर है, उसको आपको हम तुरंत सारा चीज़ मैं नहीं बता सकते हैं। उसमें सिर्फ यही है कि भाई उनको प्रमा फेसी लग रहा है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टेट अथॉरिटी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसीलिए इसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने इसको सीबीआई को हैंडओवर कर दिया इन्वेस्टिगेशन। क्या मामला था, किस तरह का मामला है? एक कंप्लेंट केस फाइल किया था विजय हांसदा साहेबगंज में, वो कंप्लेंट बाद में एफआईआर में कन्वर्ट हुआ। उस एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन पुलिस अथॉरिटी जो कर रही थी लोकल, उस पर इनका विश्वास नहीं है और इसको वहाँ से नहीं इंक्वायरी करा के ये सीबीआई से कराया जाए, ये उस दरखास्त में मांग था। विजय हांसदा द्वारा दायर क्रिमिनल रिट याचिका में कहा गया है कि जब उसने नींबू पहाड़ पर हो रहे अवैध खनन को रोकने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि ने उन्हें धमकी दी। अवैध खनन और धमकी दिए जाने के दोनों मामलों की जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधांशु शेखर ने कोर्ट के समक्ष बहस की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई साहिबगंज जिले में हुए अवैध खनन के केस की जांच शुरू कर सकती है। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।